अभी हम आ चुके हैं स्लाइस पे एप्लीकेशन पर, जहाँ पर ट्रांसफ़र फी कम हो चुका है। कितना कम हुआ, कितने पर कम हुआ, सारी चीज़ अभी हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो अभी मैं स्लाइस का बोरो लिमिट पर आ चुका हूँ, जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर मैं परचेस पावर इंक्रीज करने की फिर ले कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करके आप यहाँ पर परचेस पावर को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा ईएमआई पुराना था उसको रिपेमेंट करूँगा और लिमिट इंक्रीज करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं कस्टम पेमेंट पर क्लिक करके इस महीने का जितना भी मेरा पेमेंट होता है उसको मैं पेमेंट कर लेता हूँ, देखता हूँ लिमिट इंक्रीज होता है कि नहीं। तो यहाँ पर तो पेमेंट मेरा रिसीव हो चुका है स्लाइस पे अकाउंट पे, अकाउंट से यहाँ पर पैसा कट चुका है। तो यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ और लिमिट पर आ जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कितना लिमिट यहाँ पर मिला है। तो जैसे ही मैंने स्लाइस का होम पेज पर आया, जो यहाँ पर लिमिट शो करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लिमिट इंक्रीज हो चुका है। तो आप भी आसानी से कर सकते हैं रिपेमेंट करके जो भी आपका चल रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो नहीं वहाँ पर जितना भी लिमिट है उतना है मेरा, तो लेकिन थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ है रिपेमेंट के बाद। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र करके आपको बताऊँगा यहाँ पर कितना चार्जेस कम हुआ है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोरो पर क्लिक किया, तो यहाँ पर स्लाइडर आ जाते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको कितना लिमिट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1500 चूज़ किया, तो यहाँ पर 73 लग रहा है। यहाँ पर अगर मैं 1000 चूज़ कर लेता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर और भी थोड़ा कम हो जाएगा ट्रांसफ़र फी। तो देख सकते हैं मैंने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर 59 रुपीज़ लग रहा है। अगर आप प्रीवियसली वीडियो जाकर देखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे चुका हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप स्लाइस का सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर फी कम हो चुका है। अगर आपको भी यहाँ पर फी कम हो रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ ये सिर्फ मेरे केस में हो रहा है या आपको भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जरूर इसको शेयर भी कर दीजिए, जो भी जिसको भी यहाँ पर पता नहीं है कि फी कम हो चुका है ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक करके ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट शो करेगा तो बैंक अकाउंट चूज कर लेंगे और ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई होके पेमेंट आपका आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली आ चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप कोई भी और वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर से क्लिक करके आप आसानी से वॉलेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्लाइस वॉलेट को भी यूज़ करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको पहले मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप स्लाइस पे जाके स्लाइस वॉलेट को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।